हे गाइस, आज हम आपको ये वीडियो में आपका मोटो G5S Plus जो मेरा पास है देख सकते हैं। ये जो फोन है, ये फोन में आप कैसे गूगल कैमरा इंस्टॉल करेंगे, वो भी किसी तरह, आपको किसी तरह कोई कस्टम रॉम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बूट लोडर भी अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। देख सकते हैं ये जो है गूगल कैमरा हम लोग इंस्टॉल किया और उसके साथ वीडियो इधर काम करता है, सब कुछ आराम से काम करते हैं। तो कौन सा गूगल कैमरा है, किधर से डाउनलोड करना है, क्या फीचर है, कौन सा फीचर मिसिंग है, सब कुछ इधर आपको बोलेंगे एंड उसके साथ पिक्चर सैंपल भी आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो जरूर आप देखते रहना लास्ट तक। तो चलो वीडियो शुरू करते। तो अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट, आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक छोटा सा लाइक टारगेट देकर हम लोग को जो लाइक टारगेट है जरूर फिल करना, और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, कमेंट के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब करना, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं ये जो फोन है मोटो G5S Plus है या नहीं है। इसके लिए हम लोग सिस्टम में जाकर अबाउट फोन सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मोटो G5 अपडेटर की ऑप्शन में आ गया। अबाउट फोन सेक्शन में देख सकते हैं मोटो G5S Plus है, ओरियो के ऊपर रन कर रहा है एंड जो इधर जो एंड्रॉयड का वर्सन है, सब कुछ एकदम जो स्टॉक मतलब मोटोरोला का डिवाइस के अंदर जो होते हैं वही इधर देखने को मिलेगा। इस तरह इधर कस्टम रोम भी इंस्टॉल नहीं है, स्टॉक जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोटोरोला की तरफ से दिया गया था वही इधर इंस्टॉल है। किसी तरह रूट नहीं है, बूट लोडर अनलॉक नहीं, वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग दिखाते हैं ये इसका बूट लोडर अनलॉक के बारे में, रूट के बारे में, तो ये फोन को अगर देखेंगे तो ये जो फोन है ये आपको नॉन रूटेड देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ मोटो G5S Plus को तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट आप अगर बाय करेंगे कभी भी आपका जो ये फोन है कैमरा टू API इनेबल होकर ही आता है, किसी तरह आपको अलग से कैमरा टू API इनेबल नहीं करना पड़ता है, फुल लेवल 3। बट अगर आप नोटिस करेंगे मोटो G5S Plus में अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं किया तो आप किसी तरह कैमरा टू API इनेबल होने पर भी आपका फोन के ऊपर गूगल कैमरा इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे ये वीडियो की बात में। तो सबसे पहला अगर देखते हैं कैमरा के बारे में, तो ये जो है कैमरा ऐप इधर देख सकते हैं, वीडियो की सेक्शन है एंड इधर आपको फोटो की सेक्शन है। इधर स्वाइप करेंगे तो और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट इधर नोटिस करेंगे तो इधर आपको जो है पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता नहीं है, जो गूगल कैमरा की सबसे एक हाईलाइटेड एंड पॉपुलर फीचर है एंड इसके साथ इधर नाइट साइड भी देखने को मिलता नहीं है। तो ये सब फीचर क्यों देखने को नहीं मिलता है? तो ये जो कैमरा ऐप्स है, ये कैमरा ऐप्स एक 32-bit का गूगल कैमरा की ऐप्स है। बट अगर आप देखेंगे पिक्सेल का ऊपर जो हम लोग कैमरा ऐप्स देखने को मिलता है पिक्सेल, गूगल पिक्सेल का जो पोर्ट होकर हर एक डिवाइस के लिए आता है, वो जो कैमरा ऐप्स है वो 64-bit के ऊपर रन करते हैं। बट ये जो फोन है 32-bit के ऊपर रन करते हैं, तो इसके लिए जो है 64-bit का गूगल कैमरा ऐप्स ये फोन में सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको अगर 64-bit का इधर गूगल कैमरा इंस्टॉल करना है तो आपको फोन का बूट लोडर अनलॉक करके कोई कस्टम रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैमरा टू API इनेबल करना पड़ेगा, तब आप जाकर ये जो मोटो G5S Plus है इधर भी 64-bit का गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। बट अगर आपको बूट लोडर अनलॉक नहीं करना है, कुछ भी हैसल नहीं लेना है, तो ये जो कैमरा ये भी काफी अच्छा है। इधर सबसे जो हाईलाइटेड फीचर है ये फोन का, ये जो एप्स का, इधर है HDR प्लस। तो इधर अगर आप जाएंगे तो इधर आपको HDR प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये जो है काफी अच्छे से काम करता है, जो हम लोग बाद में पिक्चर सैंपल से भी दिखाएंगे। एंड इधर से अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सेटिंग्स में इधर आपको कैमरा रेजोल्यूशन सेट कर पाएंगे, कौन सा कैमरा में कितना रेजोल्यूशन में फोटो क्लिक करेंगे, उसके साथ फ्रंट का भी इधर सेट कर पाएंगे। वीडियो की बात किया जाए तो बैक में आपको अप टू 4K तक वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, फ्रंट में 1080p। वीडियो स्टेबिलाइजेशन की ऑप्शन भी इधर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आप अगर वीडियो स्टेबिलाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर आपको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज देखने को मिलता है एंड इसके साथ इधर स्लो मोशन का जो फीचर है वो भी काम करने देखने को मिलता है, बट 720p के ऊपर इधर काम करता है। तो ये सब है फीचर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये फोन का जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो HDR प्लस। तो इसको दिखाने के लिए आप लोग सबसे, हम लोग आपको क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं। तो ये देखिए एक नॉर्मल कैमरा से HDR के साथ फोटो क्लिक किया, इधर देख सकते सक्सेसफुली एक फोटो क्लिक हो गया, इधर देख सकते वाटरमार्क भी आ गया। सेम टाइम हम लोग और एक फोटो गूगल कैमरा से क्लिक करते, तो गूगल कैमरा में आपको किसी तरह शटर लैग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छे से काम करेगा एंड इधर HDR प्लस जो प्रोसेस होता है वो भी देखने को मिलता है। तो दोनों फोटो के अंदर अगर आप इधर देखेंगे, आपको तो कैमरा के अंदर इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, बट अगर आप रियल लाइफ में आप क्लिक करेंगे फोटो, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों फोटो के अंदर, कलर की बोलिए, हाईलाइट एंड शेडो के अंदर बोलिए, जो डायनामिक रेंज है सब कुछ ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको गूगल कैमरा की फोटो के अंदर। तो हम लोग कुछ फोटो सैंपल बाद में दिखाएंगे आपको एकदम लास्ट में जाकर, तब देख लेना, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे
अगर आपको फोटो सैंपल देखना भी नहीं है तो आप एक बार डाउनलोड कर लो, 30 MB के आसपास का साइज है ये ऐप्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किसी तरह कोई ऐड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट जाएंगे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। उधर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये है छोटा वीडियो, फिर भी हम लोग 2-3 आपको फोटो इधर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाता हूँ, देखिए ये जो फोटो है ये फोटो मोटो G5 S+ से क्लिक किया गया नॉर्मल डिफॉल्ट कैमरा से। सेम फोटो हम लोग क्लिक किया इधर देखिए गूगल कैमरा से, तो इधर आप समझ सकते हो इधर जो आकाश है आकाश के अंदर डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का आपको काफ़ी कमाल का फोटो आप क्लिक कर पाएंगे। इसके साथ सेल्फी की मैं 2-1 फोटो दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इधर मैं सबसे पहले आपको ये फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देखिए, ये जो फोटो है ये फोटो हम लोग गूगल कैमरा के साथ क्लिक किया, डायनामिक रेंज देखिए कितना अच्छा डायनामिक रेंज। सेम टाइम ये फोटो देखिए, वही फोटो हम लोग गूगल जो मोटो का स्टॉक कैमरा उसका साथ इंस्टॉल किया, तो डिफरेंस आपको इधर समझ आ रहा है आपका। ठीक ऐसा ही और भी काफ़ी सारा पिक्चर हम लोग क्लिक किया, हम लोग कुछ फोटो लास्ट में कंपैरिजन की तौर पर दिखाएंगे, वो देख सकते हैं 2-3 फोटो। तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बोलो कैसा लगा आपको ये नया गूगल कैमरा ऐप्स। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को प्लीज एक लाइक देकर हम लोग का लाइक टारगेट फिल कर देना, और कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ कमेंट करो, कमेंट के आंसर आपको मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात हो रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।